नहीं मैं क्यों देखो जा भी। मेरे पास बहन की फोटो आई थी यार, मेरे पास भी आई थी यार। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highway. Welcome back to my new vlog. तो दोस्तों आज का ये vlog रहेगा बहुत शानदार, और हम सभी लोग आज झरने का एक और झरना है वहाँ पर आनंद लेने जा रहे हैं, भोपाल मेटघाट, जो कि बहुत ही फेमस झरना है और स्पॉट है, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर घूमने लायक। दो तीन झरने हैं तो सभी लोग वहीं जा रहे हैं। ये है नागपुर भोपाल हाईवे, ये न्यू हाईवे है अभी का। नागपुर भोपाल हाईवे। दोस्तों अभी फिलहाल में चारों तरफ बरसात का पानी, पूरी खेत में देखिए, पूरे खेतों में पानी ही पानी। इस समय धान का रोपा चल रहा है, धान लग रही है। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. स्टॉप, और ये हमारा पहला स्टॉप यहाँ पर नर्मदा ब्रिज, और ये है नर्मदा ब्रिज होशंगाबाद। नर्मदा ब्रिज के चारों तरफ मैं अभी आपको दिखाऊंगा पास से। नर्मदा ब्रिज, ये दोनों साइड से, ये देखिए दोनों साइड से लबालब पानी। दोस्तों ये है होशंगाबाद का नर्मदा ब्रिज, और ये है नर्मदा मैया, और आगे ये रास्ता जो जाता है, जो हाईवे जाता है इसी पुल के ऊपर से सीधा भोपाल। हवाई हवाई गर्मी लगती है, इसमें कुछ नहीं होता।
आर्मी को जल जाती है वो देख देख के ये यहाँ जा रहे हैं भाई सभी लोग। ये हमारे दोनों भाई यहाँ पर 20-20 रुपए में मोटर फेंक रहे हैं। ये हमारे गणेश परदे जी हैं जो गुर्रा स्टेशन पर रहते हैं। ये नानू भाई उनके साथ पार्टनरशिप में ये चक्र चलाते हुए लो हम ये दोस्तों आ गए हैं सहागंज के जंगल में। ये है सहागंज का जंगल पूरा। ये देखिए ये मेरे चारों तरफ आप देखे ये दोस्तों ये है सहागंज का झरना जो कि अभी यहाँ से शुरुआत है। ये छोटे छोटे झरने ये मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं। ये है जंगल। ये छोटे छोटे झरने ये हमारी गाड़ी यहाँ रुकी है। तो भैया देख के ये जिंदगी का आनंद और यही प्रकृति का
ये है भोपाल हाईवे का मेड़घाट एरिया और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को आपको मिल रही होगी। ये देखिए यहाँ, तभी मैं ऊपर से यहाँ का व्यू ले रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों ऊपर से जो बरसात के समय में जो पानी गिरता है, और बहुत से झरने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक झरना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए। मैं अभी जाता हूँ वहाँ पर और आपको वहाँ का उस झरने का व्यू दिखाऊंगा पास में जाकर वहाँ से। तो इस रोड से आप हाईवे से जब भी आएंगे तो एक हाईवे, आप ये नेशनल हाईवे है, एनी हाईवे पर वो मेड़घाट एरिया और झरना आपको इस बरसात के समय पर देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी यहाँ आए तो एक बार यहाँ का लुत्फ़ तो ज़रूर उठाएं। जस्ट रोड के साइड में ही ये झरना पड़ता है। यहाँ पर देखिए काफ़ी गाड़ियाँ हैं इधर, और इस साइड देखिए, इस छोर से इस छोर तक पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। देखिए ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लास्ट तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। ये सभी लोग भोपाल और आसपास जो बुधनी है वहाँ से सभी लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। हम भी यहाँ इसीलिए हमने सोचा कि क्योंकि दो तीन दिन रेगुलर जो बारिश हो रही थी, 4-5 दिन हो गए थे, तो उसके कारण यहाँ पर झरना देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम भी आए थे कि चलो घूमने चलते हैं और वहाँ का व्यू देखते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ, जबकि लोकल में है, फर्स्ट टाइम मेरा आना हुआ है। हम लोग सभी लोग आए हैं। यहाँ पर ट्रैफिक भी अधिकतम, यह है प्रकृति का सौंदर्य। और ये पूरा पहाड़ियों के बीच में यहाँ झरने बनते हैं। ये पूरी पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये पूरी पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए, नहीं मैं ये रखे, ये सेक दें क्या आपको? नहीं ये रखे, सेक दें क्या आपको? We'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go. दोस्तों ये है हाई अलर्ट एरिया और यहाँ पर वो चट्टाने बहुत बड़ी बड़ी हैं, और जो भी पानी ऊपर से आता है वो इधर से पूरा आता है पानी, और बहुत तेज़ी से होते हुए आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई लोग यहाँ नहाने आते हैं तो वो डूब चुके हैं। तो यहाँ पे आएँ तो सतर्कता से थोड़ा घूमें और अपना एंजॉय करें। यहाँ उतनी भीड़ नहीं है जितनी उस मेड़घाट एरिया में थी। यहाँ देखिए है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ है हालांकि, मगर उतनी भीड़ नहीं है जितनी कि यहाँ पर एक्सेप्टेड है। यहाँ प्रशासन का हाई अलर्ट रहता है, यहाँ पर पुलिस और प्रशासन लगातार मुस्तैदी पर लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चट्टान है, जो भी पानी आता है पहाड़ी से बहुत तेज़ी से नीचे हुए आता है और सीधा का सीधा। कब पानी पड़ जाए, भर जाए और तेज़ी से बढ़ जाए कोई गारंटी नहीं है। यहाँ की बहुत हाई अलर्ट एरिया है, क्योंकि ये पूरा पानी जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ी से होते हुए नीचे आ रहा है, और इस साइड सीधा नर्मदा नदी है, वहाँ पहुँच जाएगा। कितना पानी है?